नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के बड़गांव के ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकानदार रोशनलाल खटीक के विरुद्ध उपखंड अधिकारी कुंभलगढ़ व रसद विभाग को शिकायत की है। गांव के खेमाराम रामाराम मांगूराम दोलाराम ने ज्ञापन में बताया कि उनके अंगूठे लगवाकर राशन डीलर द्वारा आधा दर्ज गेहूँ शक्कर केरोसिन उठा लिया, जबकि आधा ही उन्हें दिया है। बताया कि 12 ग्रामीणों के 5 वर्ष में 5 क्विंटल 20 किलो गेहूँ 74.5 लीटर केरोसिन व 61.5 किलो शक्कर का गबन किया है। इधर जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। 12 कुपिन भी है, 50 बोरी 20 किलो और केरोसिन निकल रहा है सर 74.5 और लीटर और शक्कर निकल रही है 160 किलो 60 और शक्कर 25 किलो। आप ही अन्य बारे में सब साथ में शिकायत की थी। बरबर हाँ हाँ सवा मार्ट में खादा जगह खा दिल वो क्या कार्रवाई। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने क्षेत्रीय समस्या व विकास को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। भीम पंचायत समिति के सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना प्रबंधन के साथ विभिन्न विभागों के लंबे समय से लंबित कार्य व चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए भी खास निर्देश दिए। SBEO पृथ्वी सिंह कच्चावा ने नामांकन स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण व टपकते भवनों के बारे में बताया। इस पर विधायक ने सरकारी महकमों की जमीनों पर किए जा रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए SDM को निर्देश दिए। शहीद स्मारक बनाने के लिए भी कहा। पेयजल की जानकारी लेते हुए समस्या वाले इलाके में आवश्यक प्रबंध के लिए जलदाय विभाग को खास निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी संजय कुमार गोरा, विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा, DSP समंदर सिंह सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कृष्णा बाल चिकित्सालय देवगढ़ व आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल राजसमंद द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय विजयपुरा के शिक्षकों का सम्मान किया गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश त्यागी व विकास अधिकारी योगेश शर्मा द्वारा शिक्षकों को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिए गए। इस दौरान संस्था प्रधान वीरांगना मीणा, शिक्षिका श्वेता मीणा, रीना कच्छावा, राधा गोस्वामी, केसर सालवी, मीरा सालवी, सीता देवी, हुकुम सिंह आदि मौजूद थे। भीम के लसाड़िया ग्राम पंचायत के अंतर्गत करकाला गांव में पौधरोपण किया गया। इस दौरान शिक्षक हजारी सिंह टोटगढ़, बनवीर सिंह रावत, तेजपाल दौलत सिंह, सरदार सिंह, शैतान सिंह, राजू सिंह, राजेंद्र सिंह आदि ने पौधरोपण के बाद सुरक्षा व पानी देकर नियमित उसके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी ली है। नाथद्वारा के पूर्व विधायक कल्याण सिंह चौहान के पुत्र व भाजपा कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह चौहान ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शिष्टाचार भेंट की। चौहान ने गुलदस्ता भेंट किया। चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नाथद्वारा आगमन का भी न्योता दिया है। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के धायला में 16 वर्षीय प्रतीक पूर्विया लापता हो गया। नाथद्वारा में कीर्ति स्टेशनरी के संचालक ललित पूर्विया के पुत्र ने उनसे सूरजकुंड जाने की जिज्ञासा व्यक्त की, मगर पिता ने मौसम खराब होने की वजह से मना कर दिया। फिर वे बाजार चले गए व घर के परिजन भी खेत पर चले गए। इसके बाद नाराज प्रतीक 18 अगस्त सुबह 10:30 बजे एक ड्रेस व बाइक लेकर कहीं चला गया। इस पर परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ संभावित स्थलों पर तलाश की, मगर कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद परिजनों ने नाथद्वारा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी है। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं है। वह जो बाइक ले गया है उसके नंबर हैं RJ30SD4757। अगर आपका कहीं भी इस बाइक और या वह युवक दिखें तो मोबाइल नंबर 8949153032 या 9829726818 पर कॉल कर बता सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद व आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में पसुंद स्थित हरिओम उपवन में पौधरोपण किया गया। ट्रस्ट संस्थापक नानजी भाई गुजर द्वारा 500 पौधे उपलब्ध करवाए गए तथा 2100 पौधे और देने की बात कही। इस दौरान मोहनलाल वर्मा, सरपंच अयन जोशी, गोविंद प्रजापत, पूर्व उप प्रधान सुरेश जोशी, ग्राम विकास अधिकारी राजेश जोशी, रोजगार सहायक गणेश लाल रेगर, वार्ड पंच बेरूलाल गमेती, कैलाश गुजर, शंकरी देवी, कालूलाल कीर, नाहर सिंह चौहान आदि मौजूद थे।
पाखंड ग्राम पंचायत मुख्यालय के शमशान घाट पर वट वृक्ष का पौधा रोपा गया। साथ ही पौधों के नियमित संरक्षण व संवर्धन की भी ग्रामवासियों ने जिम्मेदारी ली है। इस दौरान रोशनलाल सुथार सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। भाजपा मंडल रेलमुगरा व कुरज के कार्यकर्ताओं ने रेलमुगरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि बिजली बिल 2 से 3 गुना अधिक आए हैं, जो कोरोना वैश्विक महामारी में आमजन के लिए भरना मुश्किल है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल कंपनी द्वारा टोल राशि वसूली जा रही है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सिंघवी, मंडल अध्यक्ष चतर सिंह राजावत, गोवर्धन दास, बोथमल जाट, शिव कुमार शर्मा, शंकरलाल, निरंजन गर्ग आदि मौजूद थे। बिजली के भारी भरकम बिलों के कारण किसान और आम जन परेशान है। उसके कारण हमने ये कहा है कि किसान को जो भारी भरकम बिल मिले हैं, उन बिलों के कारण किसान को राहत दी जाए। कारण क्या है कि एक तरफ तो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण किसान अपने आप को कृषि का उत्पादन बढ़ा करके देश की जीडीपी बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ उसको जिस तरह से भारी भरकम बिलों से प्रताड़ित करके उसकी कमर तोड़ने का प्रयास किया वो गौर निंदनीय है। इसलिए पूरा सर्वे की जा करके उन बिलों में राहत प्रदान किए। दूसरी, एक मक्की में पहली बार एक ऐसी लट का प्रयोग आया है जिसके कारण मक्की की फसल लगभग नष्ट होने के कगार पर है, इसलिए उसकी सर्वे कराकर किसान को राहत दी जाए। तीसरा, दरीबा और मेंदुरिया और जो राजस्थान राज्य पुल ब्रिज कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट से सड़क बनी, उसका मेंटेनेंस नहीं और टोल वसूला जा रहा है, या तो टोल रोका जाए या मेंटेनेंस तुरंत की जाए। ये तीनों विषय को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम द्वारा SDO रेल मगरा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मंडल रेल मगरा और मंडल कुरज दोनों ने मिलकर के संयुक्त एक ज्ञापन प्रेषित किया है और SDO साहब से निवेदन किया है कि तीनों विभाग के अधिकारी आपके यहाँ है और तीनों को बुला करके आप स्वयं बात करें और सरकार को इस ज्ञापन को भेजे ताकि सरकार भी पहल करे। चौकड़ी ग्राम पंचायत की ओर से पंचफल उद्यान के लिए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल व कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवनंदन गुर्जर की मौजूदगी में पौधरोपण अभियान शुरू किया गया। सरपंच रतन सिंह सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। इसलिए यहाँ पे अब पंचायत समिति के माध्यम और ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ पे पंचफल लगाए जा रहे हैं। तो लगभग आज आप देखोगे कि 60 बीघा जमीन में जो पौधे लगाए जा रहे हैं, 5000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें आपके मुख्य रूप से आम, चीकू, आंवला और नरेगा के तहत ये कार्य कराया गया, जिसमें कि 30 लाख रुपए का जो बजट है नरेगा के तहत स्वीकृत हुआ है। तो इसकी चारों तरफ से फेंसिंग कराई गई है, यहाँ पे बोरवेल कराई गई है और साथ में यहाँ का रेलमुगरा के पीपली अहिरान गांव में पंचफल उद्यान व नर्सरी के विकास कार्य की शुरुआत जिला परिषद CEO निमिषा गुप्ता ने फीता काट कर की। रेलमुगरा BDO BL बिश्नोई ने कहा कि यह उद्यान गांव के विकास के लिए एक संजीवनी है। सरपंच गंगाबाई ने अतिथियों का स्वागत किया। समाज सेवी लेहरूलाल अहिर ने बताया कि 90 लाख के बजट के उद्यान में मेड़बंदी, तारबंदी, संपर्क सड़क, रंग रोगन, ट्यूबवेल, ड्रिप सिस्टम आदि कार्य करवाए जाएंगे। इसमें 4000 पौधे रोपे जाएंगे, फिर 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को आय होने का अनुमान है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला महामंत्री भगवत सिंह गुजर, कुमारिया तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज, उप कृषि निदेशक भूपेंद्र सिंह राठौड़, सहायक निदेशक उद्यानिकी नरेंद्र सिंह राठौड़, कुमारिया थाना प्रभारी पेशावर खान, BCMHO राजेंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच मनोहर कीर, लालचंद कुमावत, वीरेंद्र सिंह, उप सरपंच देवीलाल भील सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। हमारा लिटिल चलन जो हमारा 70 बीघा का है मैडम, ये जस्ट पीछे है और बहुत ही अच्छी मिट्टी है, उसके अंग्रेजी बम्बोल निकला था, हम उसमें खेती करना चाहते हैं। हम नरेगा की लेबर से हम खेती करा के कम से कम उससे 10-15 लाख-20 लाख रूपए सालाना उत्पादन करना चाहते हैं। हम गेहूं की फसल लेना चाहते हैं, कपास की फसल लेना चाहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जामुन बहुत अच्छे होते हैं, जामुन के पेड़ लगाकर और यहाँ पर अच्छा जामुन की खेती भी करना चाहते हैं। और इसके अलावा हम मेडिसिनल एलोवेरा बहुत अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं। यहाँ एलोवेरा के अलावा भी औषधि जितने भी पौधे हैं उसको भी लगाते हैं। प्रति चरण जो सामने दिख रहा है मैडम आपको, उसमें भी हम ये विकास करना चाहते हैं। तो मैडम हमारा ग्राम पंचायत जो है उसके 3 रास्ते आते हैं, एक राशन से आता है, एक कुरस से आता है जो रेलमोरा हो गया,
और एक कुंवारे साचा, तीनों रोडों पे हम एक प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं। प्रवेश द्वार बनाकर एलिवेटेड रोड से लाइटिंग और वृक्षारोपण के साथ में ग्राम पंचायत तक हमारा मिशन है, और चार रस्ते जितने भी है उसमें सर्कल बनाकर इस पंचायत को वाईफाई व्यवस्था देना चाहते हैं, और कैमरे में कैमरा वेब कैमरा लगाकर इस पंचायत को सुरक्षित करना चाहते हैं, हमारा ये मिशन है। इसके अलावा यहाँ पर ये गार्डन जिसके व्यायाम करे, प्राणायाम करे, योगा करे, इसके अलावा जिम, ओपन जिम का हमारा लक्ष्य है, या एक ओपन जिम लगे तो उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं कि डीजे आई करके हम ज्यादा से ज्यादा इस गांव के लोगों को व्यवस्था कर सकते हैं। हम एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं मैडम, जिसके अंदर सभी युवाओं का प्रशिक्षण यहाँ हो, और उस प्रशिक्षण से युवा रोजगार पा सके, हमारी माता बहन रोजगार पा सके, हमारे किसान रोजगार पा सके, और अन्य तरह के प्रशिक्षण जो है संस्था है चाहे एनजीओ है वो यहाँ आपके प्रशिक्षण दे सके और इस पंचायत के लोगों को लाभ मिल सके। और 23 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, इसके कारण जो प्रवासी भाई गाँव की ओर आ रहे थे और कोरोना की महामारी उस क्षेत्र में ज़्यादा होने के कारण आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन रखा जाए, तो हमने क्वारंटाइन सेंटर का गठन किया। हमारे एसडीएम साहब के निर्देशन में हमारे सेंट्री ग्राम पंचायत के पीओ को उसका प्रभारी बनाया गया, और हमने वार्ड प्रभारियों का गठन करके लगातार उनको गांव-गांव में उनको तैनात कर दिया गया। जैसे ही गांव में कोई भी प्रवासी भाई आते थे उसकी सूचना हमें मिलती थी, उनको घरों में नहीं जाने देते थे, सीधा उनको हॉस्पिटल में भेज करके उनका स्क्रीनिंग करा करके डॉक्टर साहब की परमिशन से अगर उनका तापमान सही है तो ठीक, नहीं तो उनको आगे भेज कोरोना टेस्ट के लिए आगे भेजते थे, और सीधा उनको क्वारंटाइन सेंटर पर हम स्थापित करते थे। क्वारंटाइन सेंटर पर उनके खाने पीने की व्यवस्था, चाय पान की व्यवस्था एवं बिछाने की व्यवस्था, जो दूरी जो सरकार के नियम के अनुसार हमने वहाँ पे बना रखी थी। करीब पूरी पंचायत में 60 लोगों की एक बहुत अच्छी टीम, जो हमारे रोहिताजी सैनी पीओ है, उन्होंने अच्छी अच्छी टीम का गठन किया, जिसके कारण उसकी पूरी मॉनिटरिंग पीओ साहब के नेतृत्व में हम सब करते थे, और गांव-गांव में जितने भी कोई किसी भी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे स्वयंसेवी संस्थाओं, और हमने सहयोग करके करीब 500-700 लोगों को खाद्य सामग्री के किट वितरण कराए गए। अभी हमारे आज दिन तक हमने जितने भी प्रवासी भाई आ रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन रख रहे हैं, उसके कारण हमारी ये कोरोना की महामारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। वर्तमान में मैं ये चाहता हूँ कि हर ग्राम पंचायत में एक किसी प्रभारी अधिकारी को और लगा करके उसके साथ में एक गार्ड की व्यवस्था और कर दीजिए, तो ग्राम पंचायत उनका पूरा सहयोग करके ये जो महामारी जो बढ़ रही है इसमें क्या कुछ और कर सकते हैं, इसको हम गाँव में नहीं बढ़ने दें, यही मेरी इच्छा है। इसी तरह राजसमंद जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।